नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। कॉरिडोर न्यूज़ देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दसी कि अज SSM कॉलेज विच एंटी टैररिस्ट फ्रंट के नैशनल चेयरमैन सरदार मनिंदर सिंह बिट्टा जी आए सी। दसी विशेष तौर पर इन्हों का नाम जाना जाता है कि टैररिज्म के खिलाफ खुल के बोलते हैं, उसके खिलाफ आवाज़ चुकते हैं। गल पंजाब की करिए तो पंजाब के भी इन्हों वालों कहा गया कि पंजाब इस वक्त काफ़ी माहौल खराब किया जा रहा है, खासकर राजनीतिक पार्टियां जड़ियां ने लगातार प्रलोभन दे रही ने, या जेडे आतंकवादियों से दोष लगे ने बड़े बड़े जिन्होंने जाना लिया ने। बेटा जी कहना है कि वो आतंकवादियों को छड़न की जी गल की जा रही है, इसे लैके विशेष चर्चा की गई। SSM कॉलेज के प्रिंसीपल डॉक्टर RK तुलियो, चेयरमैन डॉक्टर भारतेंदु ओरी जी ने विशेष तौर पर बेटा जी का स्वागत भी किया, उन्होंने बुके दे के सम्मानित किया गया। और इस मौके पर विशेष तौर पर शहीद परिवार परिषद के महासचिव कुंवर वीरेंद्र विक्की जी भी मौजूद से। इस तौर पर उन्होंने विशेष तौर पर जोड़े शहीद परिवार हुए ने, सैनिकों के शहीद परिवार ने, उन्होंने सम्मानित किया गया, दुशाला और पुष्पमाला पहला के उन्हों का स्वागत भी किया गया। दसिए कि बेटा जी ने अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस जी है दीनानगर SSM कॉलेज रखी थी। एक रूट चल रहे थे पठानकोट तो लगातार वो आ रहे थे, काफ़ी देर वेट भी करना पाया। उस तो बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने दसिया कि राजनीतिक पार्टियां जड़िया ने वो देश का भविष्य जोड़ा एक तरह का खराब कर रही ने। रोज़गार देने की गल कित भी नहीं की जा रही, जे गल की जा रही है तो प्रलोभन जोड़े आ लगातार दिते जा रहे हैं, उस तो बचन की लौड़ है। और 9 मास का रिश्ता कहे जाने वाले हिंदू सिख एकता भी विशेष तौर पर उन्होंने जोर देंदे हुए कहा कि इस रिश्ते बाखूबी बनाए रखना बहुत जरूरी है। और जो जो गल्ला उन्होंने कही वह भी तो सुनावे नैक्सट। और दस दिए कि इस मौके पर दीनानगर और दीनानगर हल्के के लागे छागे के जोड़े भी पिंड से उतों के रहने वाले शहीद परिवार के सदस्यों समृति चिन्ह दे के सम्मानित किया गया। इस मौके तो उन्होंने रूस से यूक्रेन के मामले पर भी काफ़ी गल्ला की, और उन्होंने दस कि इस वेले हुण खास तौर पर उन्होंने विद्यार्थियों भी मिल के आए हैं जिड़े कि हुण यूक्रेन तो वापस आए हैं, उन्होंने विद्यार्थियों ने हौसले अफजाई की उन्होंने तारीफ की। आओ देखते हैं पूरी खबर कॉरिडोर न्यूज़ से। मैं अपने सहयोगी वरुण वर्मा के नाल प्रिंस आनंद, कॉरिडोर न्यूज़। आप सब ने, हमने सब ने मिलकर, सब पोलिटिकल पार्टियों ने मिलकर ये काली रातें, ये अंधेरी सब ने मिलकर समाप्त। अब 26, 27, 28 साल के बाद फिर वही नारे, क्या 100 पे हम फिर 0 पे आ गए? हमें कितना बड़ा नुकसान पंजाब में हुआ, पंजाब की नई जनरेशन, पंजाब के एजुकेशन सेंटर, पंजाब की डेवलपमेंट, पंजाब में नार्को टेररिज्म आ गया, एक टेररिज्म ख़त्म हुआ, नार्को टेररिज्म आ गया। हमने पंजाब की जो यूथ था, जनरेशन थी, उसके बारे सोचा ही कुछ नहीं कि इनका फ्यूचर क्या होगा, ये बड़े होके फौज में जाएंगे, ये कोई डॉक्टर बनेंगे, हमने फ्यूचर सोचा ही नहीं। आप इतने पुराने, आप खुद देखो, पुराने एजुकेशन सेंटर, पुरानी इंडस्ट्री, पुराने डेंटल कॉलेज, पुराने मेडिकल कॉलेज अमृतसर देख लो कैसे होते थे, तस्वीर आपके सामने। दूर दूर से लोग पंजाब में आते थे और एजुकेशन लेके कहीं ना कहीं मुकाम पर पहुँच जाते थे। अब पंजाब खाली हो गया। हमने क्या 25-26 साल में 36,000 शहादतों के बाद भी हमें समझ नहीं आई राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टियों को कि हम कहाँ खड़े हैं? हमने पंजाब को क्या दिया? हमने जो कुछ किया अपने लिए क्या, पंजाब के लिए किसी ने कुछ नहीं किया। लोग सड़कें नहीं चाहते, लोग कुछ नहीं चाहते, लोग कहते हमारी जनरेशन, हमारा पंजाब पहले की तरह पंजाब दे दो, छोटी सड़कें दे दो पर पंजाब पहले के लिए दे दो, पहले की तरह कल्चर संस्कृति हमें दे दो। बड़ा दुख है ये जो खालिस्तान के नारे लग रहे। एक बात मैं बार बार कहता हूँ, शुरू से कहता हूँ, आखिरी सांस निकलने तक ये मेरी आवाज़ निकलती रहेगी बम्बों और गोलियों से। खालिस्तान न कभी बना था, न कभी बनेगा, न कभी बनने देंगे, बनेगा तो गंदी हनेरी की तरह, पहले की तरह हमारी लाशों पर गुजर जाएगा, ये मैं दावे से कहता हूँ जी। खालिस्तान बनाने वालों की सोच क्या है, उनका मकसद क्या, वो चाहते क्या है? बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा। उनको यही नहीं पता खालिस्तान का मतलब क्या है। पहले तो हम रोज कहते हैं बिछड़े हुए गुरुद्वारा साहब हमें मिल जाए, मतलब ननकाना साहब भी हमें मिल जाए, करतारपुर साहब भी मिल जाए, या कहीं और है वो भी, काबुल कंधार में होंगे पुराने इतिहास के वो भी मिल जाए। हम तो बिछड़े हुए को तो ले नहीं रहे। नरेंद्र मोदी जी ने तो रास्ता खोल दिया, कभी आज तक खोला नहीं, पर जो अपने पास हैं वो भी कहते हैं हम वहाँ भी पासपोर्ट के जरिए ननकाना साहब की तरह, करतारपुर साहब की तरह जाए। क्या
बुद्धिजीवी चीज है, ये लोग सोचेंगे कि खालिस्तान अगर बनता है, क्या रकाबगंज साहब, क्या पटना साहब, क्या नदेड़ साहब, क्या गुजरात में लखपत साहब, जहाँ गुरु नानक देव जी महाराज की चरण है, खड़ावे हैं उनकी पुरानी, पटना साहब, नदेड़ साहब, गुरु गोविंद सिंह जी का स्थान, क्या वहाँ पासपोर्ट के जरिए जाएंगे? क्या हरियाणा में गुरुद्वारा साहब है कुरुक्षेत्र में, क्या पासपोर्ट के जरिए जाएंगे? क्या राजपुरा हमारा बॉर्डर होगा आगे, फिर हिंदुस्तान या कोई हरियाणा पड़ेगा? अरे कुछ सवालों का जवाब तो दे दो। खालिस्तान बनाएंगे, गीता को बुलाएंगे, खालिस्तान बनाएंगे। अरे 9 मास का हमारा रिश्ता है, आप ये कैसे कह सकते गीता को बुलाना होगा, खालिस्तान बनाना होगा, मतलब हिंदू समाज को यहाँ से फिर जाना होगा, कैसे? ये हो ही नहीं सकता। कहते हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन जब भी आप बात कर रहे हैं धर्म के साथ जोड़ने की, आतंकवाद को बात करते हैं, कहाँ तक जाए जाए कौन? आप जब भी बात करते हैं एंटी टेररिज्म की बात करते हैं तो धर्म के साथ जोड़ते हैं, ये क्या सही है? मैं जोड़ता हूँ। कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन आप भी जब भी बात करते हैं तो आप एक विशेष एक धर्म पर उंगली उठाने की बात करते हैं, उसकी बात करते हैं। तो मेरे मुझे कह रहे हैं, हाँ जी, आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, कौन से धर्म के ऊपर बात की? आपका सवाल का जवाब दो, मैं दूंगा। आपको सवाल किया है तो जवाब आपको देना है और मैं लगातार देता रहूंगा। कौन से धर्म के ऊपर उंगली उठाई बताइए? जिस तरह भी आपने बात की है कि खालिस्तान लेने वाले, खालिस्तानी, मुझे एक जी भाई साहब बताइए, अगर खालिस्तानी को खालिस्तान की बात करेगा तो उसको धर्म के साथ जोड़ लेंगे आप? क्या सिख धर्म जो है मानवता की रक्षा के लिए सजाया गया था, अभी बोला हिंदू भी था, मुसलमान भी था, सिख भी था, ईसाई भी था, क्या मानवता को मारेगा? हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, क्या उसके खिलाफ नहीं बोलूंगा? बोलूंगा तो उसको धर्म से जोड़ा जाएगा? नहीं, सवाल का जवाब है आपसे, आप एक बड़े अच्छे पत्रकार हैं। मुझे नहीं, आप किसी को कह सकते, मुझे किसी धर्म के साथ जोड़ने के लिए नहीं कह सकते। एक मिनट जी, ना ये बड़ा सवाल है, बड़े सीनियर पत्रकार, आप कैसे कह सकते हैं धर्म के साथ? लोग बेगुनाहों का कत्लेआम कर दें और बिट्टा चुप बैठा रहे, बताइए। अगर कश्मीर के अंदर कोई मुसलमान व्यक्ति किसी का कत्लेआम करेगा, बोलूंगा तो उसको धर्म के साथ आप जोड़ देंगे? धर्म मजहब टेररिज्म के ऊपर नहीं होता, कोई मजहब हो, धर्म हो, जो टेररिज्म है टेररिज्म, उसके खिलाफ हमारी आवाज उठाना हमारा हक है, हमारा फर्ज है। एक बात है जी, पंजाबी सूबा, हाँ, जो कभी बहुत बड़ा था, इसकी मांग करने वालों को हमें जेल दे दी, जेल दे दी, उन्होंने कितना पंजाब का नुकसान किया है? पहले तो जी हिंदुस्तान के जो टुकड़े हुए लाहौर पाकिस्तान, ये नहीं होने चाहिए थे, ठीक है ना? हमारे राजनीतिक लोगों की गलतियों से उस वक्त भी हुए, हमारे कश्मीर के अंदर आज पीओके भी हमारे पास होता, कश्मीर में 370 धारा ने हटाई होती, हमारी राजनीतिक गलतियां रही। अगर बार बार हम राजनीतिक गलतियां करते रहेंगे, उसका खमियाजा फोर्सेज और पब्लिक भुगती रहेगी, क्या अब भी वही चलता रहेगा? हम मजे से नेता लोग मजे लेते रहेंगे, हमारी पैसा बाहर विदेशों में जाता रहेगा और पब्लिक मरती रहेगी, जवान शहीद होती रहेंगे। पहले लाहौर गया, हाँ जी, काबुल कंधार गया, फिर पंजाबी सूबे में क्या गया? ये हरियाणा गया, ये हिमाचल गया, ये जम्मू का कुछ हिस्सा गया, हमारा सब कुछ चला गया, हमारा चंडीगढ़ भी कहते साइड में। अब हम खालिस्तान बनाएंगे जी, और हमारी फौजें खड़ी होंगी राजपुरा में जी। पर सवाल तो ये है कि पंजाबी सूबा मांगने वालों को इनका क्या, इसका क्या लाभ हुआ जो सब कुछ निकाल के उन्होंने ऐसी मांग क्यों रखी? कुछ समय के लिए कुर्सी सत्ता सबने प्राप्त की के लिए। देखो जी, एक चीज याद रखिएगा, टेररिज्म आया कुर्सी सत्ता के कारण, आतंकवाद आता कुर्सी सत्ता के कारण, पाकिस्तान तो बाद में था, सारी लड़ाई तो, अरे पाकिस्तान तो बाद में था, पहले तो हमने शुरुआत की ना पॉलिटिशियनों ने, हाँ जी, कि यहाँ किसी को गुरुद्वारा साहब में बिठा देंगे, कब्जा कर लेंगे, अकाली दल को सदा के लिए खत्म कर देंगे, हम सदा राज करेंगे, किताब पढ़ने की जरूरत नहीं, मेरी आंखों के सामने तस्वीर है, फिर बताऊं, हम सदा राज करेंगे, अकाली दल को समाप्त कर देंगे, अपना आदमी गुरुद्वारा साहब में बिठा देंगे, वो इंसान इनके हाथ से निकल के पाकिस्तान में हत्थे चढ़ गया और लोगों के बेगुनाहों के खून शुरू कर दिए, मिला क्या हमें? रूस यूक्रेन की लड़ाई को किस तरह देखते हैं जी? रूस यूक्रेन की लड़ाई को किस तरह देखते हैं? देखो जी, लड़ाई बड़ी खतरनाक है, हमारे स्टूडेंट फंसे हुए हैं वहाँ पे, हमारे क्या पूरी दुनिया के स्टूडेंट फंसे हुए हैं, पर हमें फ़ख्र है अपने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के ऊपर। रात को 3-3 बजे सारी सारी रात मीटिंग चलती है और 6 मंत्री वहाँ पे बैठे उन हालातों का मुकाबला कर रहे हैं और अपने बच्चों को निकाल रहे हैं। अभी
विक्की जी मुझे लेके गए, उन बच्चों के साथ विक्की जी ने मिलाया, दो बच्चे कल आए, चेहरे में गुलाल था, रौनक थी, कोई उनके अंदर ऐसा नहीं था, वो भावुक नहीं थे, पर वो ये बताते कि हमें, हम अगर आए हैं, हम नरेंद्र मोदी जी के कारण आए, कि उनका जो इच्छा शक्ति थी, उनकी जो सोचने का तरीका था कि ये बच्चे किसी के नहीं, ये बच्चे मेरे हैं, अपनी तरफ से कोशिश करूँ जी। अभी अभी आपने स्टेज पे बोला है कि हमारे बच्चों का विदेशों में फंसना राजनेताओं की गलत नीतियों का परिणाम है। हाँ, उसका कारण मैं बताऊँ, पंजाब है। हाँ जी, आप तो पुराने, मेरे से भी पुराने, ये पिता समान बैठे, ये बैठे, पहले का पंजाब क्या था? अपन दीनानगर से शुरू कर देते, अभी देखते, जब बस से बैठ के निकलता था तो इधर उधर देखता तो इंडस्ट्री इंडस्ट्री होती थी, कमाल होती थी, सड़कें छोटी थी पर आदमी हर खुश था, याद है? और 3 बजे 4 बजे कड़क गर्मी में इतने इतने बड़े टैंकर आते, छल छल करते पानी जाता था जी, झाड़ू फेरा जाता था, छल छल करता, जो मैंने अपनी लाइफ में बचपन में देखा। और आज का पंजाब, हमने आगे जाना था तो पीछे चले गए, बताइए, हम तो बहुत पीछे चले गए। हमने क्या किया, हमारा काम क्या था, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी थी, हमें ऐसी इतनी यूनिवर्सिटी चाहिए थी जहां हमारे बच्चे पढ़ करके बहुत आगे जाते, हमने किया ही कुछ नहीं। 15-20 साल तो आतंकवाद में निकल गए, अब आ गया नार्को टेररिज्म, अब संस्कृति इतिहास कल्चर हमारा बदल गया, गाने बजाने में लग गए, अब माँ बाप जमीन बेचते हैं और बच्चों को कहते हैं जब भी बाहर, यहाँ कम से कम नशेड़ी तो नहीं बनेगा, नार्को टेररिज्म का शिकार तो नहीं होगा, बच्चे बाहर भेजने शुरू कर दिए, तो कौन है जिम्मेदार? कोई लोग थोड़ा जिम्मेदार है, जिम्मेदार तो हम हैं, शासन हम चलाते हैं, कोई सरकार हो। हमें सोचना है कि हमारा पहला मकसद कुर्सी सत्ता नहीं है, अगली बार आए या ना आए, हमारा मकसद है पंजाब को अमन शांति और पंजाब के अंदर नार्को टेररिज्म को ठीक करना और पंजाब के अंदर बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना। सर, यह जो खालिस्तान गिरफ्तार वाले हैं, ये जिहड़े सिर ते भुड़कते हैं, जिहड़े इन्हें राजनीतिक पार्टियां थपथपांदियां दी पिट, क्या उन्हें समाजिक धार्मिक राजनीतिक लोगों को उजागर करना उनका फर्ज नहीं बनता? लो जी, ये एक रिवाज हो गया, हाँ जी, ये एक रिवाज हो गया, किसी ने बेगुनाहों का कत्लेआम किया है, किसी ने बम ब्लास्ट किया है, 5-6 दिन आप बड़ी अच्छी न्यूज़ लगाते हैं, 1 महीना अरे पकड़ा गया, अरे उसका ऐसा होगा, पर मुझे पता है इसका कुछ नहीं होगा, ये इस पंजाब के अंदर 3 साल के बाद हीरो बन के बाहर निकलेगा। यहाँ भी एक आतंकवादी था, क्या नाम था यहाँ गुरदासपुर का, मैं भूल गया, जफरवाल, वत्सन सिंह जफरवाल, अब जिसने मेरे पे दिल्ली में ब्लास्ट किया, अभी की बात आपके अखबारों में चकरा बुल्लर, जिसमें 35 से ऊपर लोग शहीद हुए, 90 के करीब जख्मी हुए, अब भुल्लर के ऊपर खुल करके बयान आ रहे हैं कि इसको छोड़ा जाए, अरे बम चलाया भी, बेगुनाहों का कत्लेआम किया जी, फिर उसको जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, फिर उसको कहते हैं प्रोफेसर भुल्लर साहब जी, जब एक आतंकवादी को कहेंगे भुल्लर साहब जी, जिसने खून की नदियां बहा दी, तो आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हम कहाँ खड़े हैं? आतंकवाद की लड़ाई लड़े या पॉलिटिकल टेररिज्म की लड़ाई लड़े? सर, इधर विच तो फिर राजनीतिक नाल ना जुडिशियल भी इधर विच उन्नी भागीदारी है, जेड़ा एक बंदा टेररिज्म विच शामिल है तो उन्हें रियायत देने के लिए राजनीतिक नाल ना जुडिशियली भी भागीदारी नाल है। मैं तुम दस रहा, अहमदाबाद की घटना भी आपके 38 आतंकवादियों को फांसी की सजा हुई, 38 पहली बार क्यों हुई? पुलिस ने केस मजबूती से लड़ा, कोर्ट में वकीलों ने केस मजबूती से लड़ा, पुलिस केस क्यों मजबूती में लड़ेगी? जबकि ऊपर से जिस पॉलिटिकल पार्टी का शासन होगा कि केस कमजोर नहीं होना चाहिए, यहां तो केस ही डल्ला कर देते हैं, केस को कमजोर कर दो और छुट जाओ, नहीं इसको क्या कहोगे? इसको कहोगे राजनीतिक गुलामी, पॉलिटिकल टेररिज्म इसको कहेंगे। अरे मानवता का कत्लेआम भी, उसमें हिंदू भी हुआ, सिख भी हुआ, ईसाई भी हुआ, उसको कोई सोचने को तैयार नहीं। टेररिज्म कैसे खत्म हो सकता है जी? टेररिज्म कैसे खत्म हो सकता है, अगर बात करें तो कश्मीर के अंदर टेररिज्म खत्म हुआ, होता है अभी कम, दिल्ली के अंदर ब्लास्ट होते थे, पार्लियामेंट की घटना थी, दिवाली के दिनों में ब्लास्ट होते थे, बॉम्बे के अंदर ट्रेनों में ब्लास्ट होते थे, 26/11 की घटना होती थी, जयपुर के अंदर एक दिन के अंदर 120 लोगों का शहीद हो जाना, दीनानगर की घटना, पठानकोट की घटना, मुझे बता दीजिए, एक मिनट मुझे बता दीजिए कितनी घटनाएं होती है, किसने ठीक किया, सोच थी किसकी थी,
हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की सोच थी टेररिज्म को ठीक करना, ना दंगे हुए ना फसाद हुए, 70 साल की कैंसर की बीमारी को खड़ा, आतंकवादियों को पता है आएंगे वापस नहीं जाएंगे, पर पंजाब के अंदर क्या है, पंजाब के अंदर आतंकवाद को समाप्त कर लेंगे, देख लो, एक तरफ खालिस्तान के नारे, एक तरफ कहते हैं जी वादे करते हैं इलेक्शनों में छोड़ देंगे हम आने के बाद, तो फिर कहाँ से करोगे, सबको आतंकवाद के मुद्दे पे कौन किस धर्म किस मजहब का हो किसी पार्टी का हमें खड़े नहीं होना, उनको अकेला छोड़ दो, वो अपनी लड़ाई सरकार ले। अभी लोगों का कसूर नहीं है, लोगों का कसूर नहीं है, हम लोगों को भावक ही ऐसे कर देते हैं। अब हमने क्या किया, हमने नई करप्शन शुरू कर दी, हमने लोगों को करप्ट कर दिया, हम 10 रुपये की बिजली देंगे, हम 20 रुपये का आटा देंगे, इतने रुपये की रोटी देंगे, हम आपके बिली माफ़ कर देंगे, अरे बिली माफ़ कर दोगे भैया, पंजाब चलाओगे कहाँ, हम तो आगे करोड़ों अरबों के कर्जाई हैं सेंटर गवर्नमेंट के, एक पार्टी कहेगी मैं 20 रुपये का कर दूँ, एक पार्टी कहेगी मैं 5 रुपये का कर दूँ, वो 5 वाले को वोट देगा, हर आदमी कहता है यार कारोबार तो है नहीं पंजाब के अंदर और अपन कर लेते, इसलिए हमें झूठे वादे किसी से नहीं करने चाहिए, ऐसा वादा कोई मत करे जिससे पंजाब की खुशहाली और पंजाब का नुकसान किसी तरीके से हो। सर की तुसी अपील करना चाहते हैं, तुसी इत्थे आए हो पब्लिक लिए की अपील करना चाहते? मैं पब्लिक को अपील तो नहीं, हाथ जोड़ के निवेदन कर सकता हूँ, जो यूक्रेन में हमारे बच्चे फंसे हुए हैं उनके गुरुद्वारा साहब मंदिरों में सब जगह पे प्रेयर करें कि हमारे बच्चे सुरक्षित वापस आए, यही आज सबसे बड़ा मुद्दा है।